अगर अमेरिका को अगर अपनी स्थिति का बुरा हाल करवाना है तो एक बार राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह नरेंद्र मोदी को बना दें, पता चल जाएगा। अमेरिका को अगर ये लोग भारत से पीछे न लाकर खड़ा कर दें, आज भारत जो प्रगति किया है, भारत के अंदर जो इसरो, एम्स और तमाम जो अनुसंधान आपको देखने को मिलते हैं, वो सब देन है हमारे देश की पिछली सरकारों की। चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, ये उन सब की देन है, उन सब की बदौलत है कि आज हमारा देश के अंदर सभी चीजें हैं। अगर इस देश को आजादी के वक्त अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता तो इस देश के अंदर कोई संस्थान नहीं बन पाता और कुछ नहीं बन पाता और ये देश दोबारा गुलाम हो जाता। और अगर आजादी से पहले इस देश को ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता तो देश आजाद भी नहीं। देखिए, पूरे देश को अच्छी तरीके से पता है कि देश को किसने लूटा है और कौन देश का चोर है, ये बात पूरा देश जानता है। तो आपको ये बोलने की तो जरूरत ही नहीं कि कौन चोर है, सबको पता है कि कौन चोर है और किसकी सरकार के राज में लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश के उद्योगपति फरार हुए, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और बखूबी जानते हैं। ठीक है ना, कि नीरव मोदी कौन है, विजय माल्या कौन है, मेहुल चौकसी कौन है, सबको अच्छी तरीके से पता है। और दूसरी बात ये कि जो परिवारवाद की बात कल तक किया करते थे, आज उनके मुंह से परिवारवाद नहीं निकल रहा है। जब से आपने देखा है कि अमित शाह जी का बेटा जय शाह में बीसीसीआई में बैठा है, वो जय शाह अमित शाह जी का बेटा, तब से परिवारवाद पे बात नहीं होती है। जब से राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह एमएलए बना है, तब से परिवारवाद पे बात ही नहीं होती है। परिवारवाद जो सबसे बड़ा है वो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबको लड़ाने का काम करते हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ने का काम करते हैं। यानी गरीब जनता को लड़ाओ और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, इस पॉलिसी पे काम करने का काम देश के नेता करते हैं। ने कहा कि मात्र एक फोटो सेशन था, जी मात्र एक फोटो सेशन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, तो आपकी पार्टी में क्या फोटो सेशन था, ये तो बताइए जरा। अपनी पार्टी में तो देख लीजिए कि कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। एक और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर राजनाथ सिंह का अलग गुट बन रहा है, योगी आदित्यनाथ का अलग, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का अलग। तो आप अपनी पार्टी में तो देखिए, जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारे करते। और आज मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर देश को बचाना है तो विपक्ष को एक साथ आना ही होगा, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं, जब तक वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक इस देश के लुटेरों को भगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिन लुटेरों ने इस देश के नौजवानों के हाथों में कलम की जगह उनके हाथों में, ये लोग कहते हैं हथियारों की बात करते हैं, ये तमाम चीजों की बात करते हैं, तो हमें देश के नौजवान के हाथ में कलम थमानी है, यानी उनको शिक्षा का पाठ पढ़ाना है, ना कि लड़ाई झगड़े का पाठ पढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, जी उन्होंने ये कहा कि मात्र एक मजाक है जो बिहार में एक तमाम गठबंधन हुआ है। स्मृति ईरानी जी, जरा इस सवाल का जवाब दे कि ये मजाक नहीं, ये मजाक आपको पता नहीं है कि ये मजाक आपकी पार्टी को हटाने के लिए एक अहम भूमिका अदा करेगा। आप इसको मजाक समझती हैं तो बिल्कुल मजाक के तौर पर ही लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री खुद अपने आप में एक मजाक साबित हो गए हैं और आप भी मजाक ही साबित हो गई हैं। लोग आपकी बात को आज गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक स्टंट था, आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीति में आकर लोगों को मूर्ख बनाने का था, जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर के ऊपर 10 रुपए बढ़ने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विराजमान हो जाया करती थी, लेकिन आज 1100 पार का सिलेंडर पहुंच गया है तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर उनकी चुप्पी का कारण है तो है क्या? कहा जा रहा है कि इस गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये इसका नतीजे आपको साल 2024 के चुनाव में साफ नजर आएंगे। और फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, या तो आपने ईवीएम में घोटाला कर रखा इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, वरना फर्क तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है। ये बात मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन से ज्यादा नेता अपनी जमानत भी जब्त करा ले, इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एक और सवाल किया गया है कि दूल्हे बहुत पहुंचे बिहार जी, और सेहरा किसके सर पे सजेगा ये पता नहीं है। भैया, जो दूल्हा बना हुआ था वो तो खुद अपने परिवार को छोड़ के आया है, और जिसने परिवार को छोड़ दिया, तो हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि जिनका घर और परिवार नहीं होता उनको तो कमरा किराए पर नहीं दिया जाता, और यहाँ तो देश दे दिया गया है। एक कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास राजा की सुनाई थी, वो कहानी कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि देखी और सुनी लगती है, क्योंकि भैया मुख्यमंत्री पढ़े लिखे आदमी है, नाम तो लेंगे नहीं, क्योंकि इस देश में नाम लेने पर डिफार्मेशन के मुकदमे हो जाते हैं, कहीं कोर्ट से जुर्माना आ जाता है। तो इस देश में बोलना
और किसी का नाम लेकर बोलना आज एक बड़ी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। एक और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में जब लोगों के बोलने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंडिया में जिसको आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मोहित शर्मा जी साहब चौथी पास की बात कर रहे हो, वहीं मोदी जी ने जो जो बयान दिया है अमेरिका में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोली है कि वहाँ के लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आप वहीं थे क्या खड़े हुए? आप कम पढ़े लिखे होंगे इसलिए आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के लोग थोड़ी हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, सब ट्रांसलेट कर लेते हैं। ऐसे क्या बोल दिया उन्होंने? चाइनीज में या अरबी में बोल दिया कुछ जो नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे? वो हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ किसने बोला? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब। और इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत क्या है ये बताइए? मोदी जी के हर बयान पे आपत्ति होती है। हाँ, तो मोदी जी ने क्या अच्छा किया जरा ये बताइए, तारीफ भी कर देते हैं। देश तरक्की तो कर रहा है ना, ढंग के बज रहे हैं। देश की तरक्की का मुझे पता नहीं, आप लोगों की तरक्की हो गई। आप लोग अपनी तरक्की को अगर देश की तरक्की समझते तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना आप बता दीजिए मोदी जी ने क्या काम किया है। पूरे अमेरिका में बच्चे बच्चे की जुबान पे सिर्फ मोदी और मोदी था। अच्छा हाँ। तो मुझे लगता है था, आपने बोला यानी आप अमेरिका से ही आए हैं, अमेरिका में कवरेज कर रहे थे आप? है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे। अच्छा, उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तो नहीं कह रही थी अमेरिका की जनता कि नरेंद्र मोदी जी आप इस देश के राष्ट्रपति बन जाइए, अभी जो बाइडेन को उठा के फेंक देते हैं, ये तो नहीं कहा ना? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं कहा कि भैया आप यहाँ से चुनाव लड़िए? अरे दूसरे देशों ने डिमांड की है, मोदी जी अमेरिका से तुरंत बाद दूसरे देश चले। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, अमेरिका में महंगाई बेरोजगारी को भी अब मोदी जी समाप्त करेंगे क्या? मैं तो कहता हूं कि अगर अमेरिका को अगर अपनी स्थिति का बुरा हाल करवाना है तो एक बार राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह नरेंद्र मोदी को बना दें, पता चल जाएगा अमेरिका को। अगर ये लोग भारत से पीछे न लाकर खड़ा कर दें, आज भारत जो प्रगति किया है, भारत के अंदर जो इसरो एम्स और तमाम जो अनुसंधान आपको देखने को मिलते हैं वो सब देन है हमारे देश की पिछली सरकारों की, चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे फिर वो माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, ये उन सब की देन है, उन सब की बदौलत है कि आज हमारा देश के अंदर सभी चीजें हैं। अगर इस देश को आजादी के वक्त अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता तो इस देश के अंदर कोई संस्थान नहीं बन पाता और कुछ नहीं बन पाता और यह देश दोबारा गुलाम हो जाता। और अगर आजादी से पहले इस देश को ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता तो देश आजाद भी नहीं हो पाता। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो इस बात को लेकर आपको गर्व नहीं होता क्या? किसे? आपको। एक बात आप मुझे बताइए, कोई पहली बार थोड़ी देश में प्रधानमंत्री हैं, ये बताइए ना। गर्व हमें तब होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमारे देश की एक भी जवान की शहादत ना हो। प्रधानमंत्री जी G20 के दौरान चाइना के जिनपिंग से भी मिले। हाँ। प्रधानमंत्री जी इससे पहले कई बार पाकिस्तान की बिरयानी भी खाया है, पाकिस्तान में बर्थडे भी मनाया है, केक भी कटवाया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से ना तो सीज फायर रुकता है ना हमारे जवानों की शहादत पर कोई लगाम लगाई जाती है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा पर जाना तब सफल होगा जब देश के प्रधानमंत्री जी के जाने से कोई फायदा हो, बेफजूल के घूमने से कुछ नहीं होता। एक फोटो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दो शेर एक साथ। कौन सा शेर? मोदी और बाइडेन। देखिए आप ये गलत प्रकार की बात ना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक जानवर से करते हैं। है? 56 इंच सीना है। तो नापा है, आप टेलर वही थे क्या जिसने 56 इंच का सीना नापा? आप वही टेलर हैं? आपको हमारे प्रधानमंत्री की बढ़ाई हजम क्यों नहीं होती है? बढ़ाई नहीं होता, पहली बात बढ़ाई होता है। और क्या अच्छा काम किया जरा ये बताइए, बढ़ाई महोदय बताइए, बताइए बड़ाई महोदय क्या अच्छा किया है मोदी जी ने? मान सम्मान गौरव मर्यादा सब बढ़ाई है। पहले नहीं थी भारत देश की मान सम्मान गौरव और मर्यादा? बोलिए ना। यह मोदी जी की देन है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा पहले हम नहीं बोलते थे, पहले मैं गूंगा था, 2014 के बाद मेरी जबान आई है, बताइए ना। अरे इतने कहां लोग बोलते 2014 के पहले कहां बोलते? अच्छा पहले लोग गूंगे थे, मोदी जी ने आके बोलना सिखाया कि कैसे बोलते हैं ना। आत्मनिर्भर हो गए लोग। अच्छा आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर तो हो ही गए, पहले लोग कंपनियों में काम किया करते थे, मोदी जी आए सड़क पे सबको लाके खड़ा कर दिया, सब कुछ कंपनियां बेच दी, हो गए आत्मनिर्भर। आपने शायद मोदी जी के मंत्रिमंडल का बयान नहीं सुना कि 2014 के बाद ना जो है हमारा भारत
हुआ है पहले देश। अच्छा, आपकी जबान खुद इतनी लड़खड़ा रही है, सशक्त के नाम से सा कर रहे हैं। पहले आप अपनी जबान को स्टेबल करिए, उसके बाद देश को सशक्त बनाने की बात करिएगा। सा करके तो तीन बार तो सशक्त बोले हैं ये। 2014 से पहले घुटनों पर था भारत। आप इस प्रकार का बयान देकर भारत देश को अपमानित ना करें, ठीक है ना? नड्डा जी ने खुद कहा है। किसने कहा है? नड्डा जी ने। हैं? नड्डा जी ने। नड्डा जी से कहिए पहले अपने जाकर गृह राज्य में अपना चुनाव जीते हैं, ठीक है ना? पहले अपना चुनाव जीत रहे, फिर पता चल जाएगी कितना सशक्त है। कुछ उनकी जनता ने उनको ही नकार दिया और वो बात करें सशक्त भारत की। तो आप लोगों से यही कहता हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।